गोवा इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस, जिसे अपनी सुंदरता के नाम से जाना जाता है, चाहे वो वहाँ की बीच हो या वहाँ की नाइट लाइफ हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको गोवा का कंप्लीट टूर देने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और बहुत सारी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको गोवा में जाकर घूमना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज दूंगा, जिसमें आप ऑलमोस्ट पूरा गोवा जो है कम दाम में घूम सकते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना कन्हैया, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो इस वक्त मैं आ चुका हूं गोवा के बागा बीच पे। जी हाँ, आज के इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपका प्लान बन रहा है गोवा आने का, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको कैसे आना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ घूमना है, एवरीथिंग, एक छोटी छोटी डिटेल जो है मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी एक बहुत ही सस्ते और अच्छे पैकेज के साथ में। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गोवा आने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए गोवा के सबसे फेमस रेलवे स्टेशन पे, जिसे जाना जाता है थिवीम रेलवे स्टेशन के नाम से। हाँ, अगर आप नॉर्थ गोवा आना चाहते हैं तो थिवीम रेलवे स्टेशन जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगा, या आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो डेबोलिम एयरपोर्ट आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। फ्लाइट्स भी यहाँ पर कंटिन्यू आती रहती हैं। मैं गोवा गया था बाय ट्रेन से, और जैसे हम ट्रेन से बाहर उतरते हैं हमें मिलता है टैक्सी स्टैंड। मैं आपको लिटरली बताऊँ, यहाँ पर आपको टैक्सी स्टैंड पे गोवा से बागा बीच जाने के लिए करीबन 1200 से 1500 रुपये की टैक्सी फेयर देनी पड़ती है। पर मैंने यहाँ से टैक्सी ना बुक करते हुए मैंने एक एप्लीकेशन से बुक की, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ा, जिसका नाम है गोवा माइल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 नाइट 4 डेज का एक कंप्लीट टूर देने वाला हूं, जहां पर आपको मिलने वाला है साउथ गोवा का टूर इस वीडियो में, नॉर्थ गोवा का टूर, और मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी जो है नाइट क्रूज में लेके जाने वाला हूं। तो बने रहिएगा, और ये जो है पैकेज आप भी ले सकते हो। वो कैसे, कहाँ से, बहुत ही सस्ता पैकेज है, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो फिलहाल सर, कुछ अपने आइटनरी के बारे में बताइए, जो हमारे कस्टमर यहाँ पर आएंगे तो उन्हें कैसा पैकेज मिलने वाला है। एक रनिंग पैकेज चालू है, ठीक है, जो 3 नाइट 4 डे का पैकेज है, उसकी कॉस्टिंग भी बहुत अच्छी है। 6499 का सिर्फ पैकेज है। इसमें आपको 3 नाइट स्टे रहेगा, पहले दिन पे आपको डिनर क्रूज पार्टी रहेगा, सेकेंड डे पे आपको साउथ गोवा साइट सीइंग रहेगा एसी बस से, और तीसरे दिन आपको वाटर स्पोर्ट के साथ में स्कूबा डाइविंग भी रहेगा। मतलब कंप्लीट पैकेज रहेगा इस पैकेज में आपको। और इस पैकेज में आपको पहले दिन पे लंच रहेगा, डिनर रहेगा, दूसरे दिन पे आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडिंग है, और तीसरे दिन पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी मिल जाएगा हमारे पैकेज में, और इसकी कॉस्टिंग है सिर्फ पर पर्सन 6499 ओनली। तो यहाँ पर आपको, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ रूम्स हैं जिसकी व्यू मैं आपको दिखा दूँ। ये एक और रूम है जहाँ पर आपको सी व्यू रूम मिल जाता है, और साथ ही साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनका स्वीट रूम जो है वो कैसा दिखता है। ये मैंने स्पेशली फैमिली स्वीट रूम है, ओके, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बड़ा सा वार्डरोब मिल जाएगा, ओके ओके, मिरर रहेगा यहाँ पे आपको, ये इस साइड आपको वॉशरूम मिल जाएगा, ओके, वॉशरूम में आपको हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर, 24 आवर सर्विस है, ओके, यहाँ पे आपको टीवी मिल जाएगी, एसी, वाईफाई, ओके, पावर बैकअप 24 आवर्स है, ओके, यस, यहाँ बहुत बड़ी सी बालकनी है, आप ये देखिए। सो फर्स्ट डे हम चले आते हैं साउथ गोवा टूर पे, एक एसी बस है जो कि हमें पूरा साउथ गोवा जो है वो घुमाती है, और यहाँ पर हमें एक गाइड भी मिल जाता है जो हमें हर जगह का इन्फॉर्मेशन देता है। फिलहाल हम आ चुके हैं मीरामार बीच पे, और यहाँ से हम जो है वो करने जा रहे हैं मीरामार बीच पे डॉल्फिन साइट। तो फिलहाल इस वक्त आ चुका हूँ मैं हमारी साउथ गोवा की पहली लोकेशन पे, जहाँ पर हमें बस लेकर आई है मीरामार बीच पे। और मीरामार बीच आप मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली जो एक छोटी सी बोट है, यानी ये बोट जो है हमें डॉल्फिन साइट्स जो है वो कराएगी। अब मैं जहाँ तक जानता हूँ डॉल्फिन जो है इतनी जल्दी दिखती नहीं है, किस्मत हुई तो दिख जाएगी। तो आज हम देखेंगे हमारा ये फर्स्ट ट्रिप, हमारा साउथ गोवा का पहला लोकेशन जो है मीरामार। तो चलते हैं अंदर, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, होप सो कि मुझे डॉल्फिन जो है वो देखने के लिए मिल जाए। और इसकी जो टिकट प्राइसिंग है, यहाँ पर आपको बस के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, बस के पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ की लोकेशन की प्राइस पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि मैंने पे किया 350 रुपीज़ इस बोट की सफ़र करने की, डॉल्फिन साइट्स की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन जो होगा वो होगा डोनापोला। चलिए चलते हैं। तो कुछ इस तरह की बोट होती है जो आपको बीच समुंदर में लेके जाती है, और आपको
डॉल्फिन्स जो है वो दिखाती है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर बोट में पार्टीज़ वगैरह जो हैं वो भी करवाते हैं। आपको यहाँ के गाइड जो है बोट के वो आपको एंटरटेन करते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, और कुछ स्नैक्स होते हैं वो आपको भी खिलाते हैं वहाँ पर, जो कि वो की पेमेंट देनी पड़ती है। और यहाँ पर आपको डॉल्फिन्स देखने के मिल जाएंगे अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी। तो फिलहाल हमने 2-3 डॉल्फिन जो है वो देखी, और फाइनली हम जो है यहाँ से अब वापसी की ओर निकल रहे हैं दूसरे हमारे लोकेशन पर, जो कि है डोनापावला बीच। डोनापावला बीच पहुंचते ही आप वहां पर कर सकते हो कुछ शॉपिंग्स, और साथ ही साथ में आप वहां पर देख सकते हो एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है। ये तो सीन क्या है मालूम है, यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा अंदर जाने के लिए जो कि काफ़ी ऊंचा है, वहां से आपको थोड़ा सा नज़ारा जो है खाली खाली दिखाई देने वाला है। तो उस पॉइंट के ऊपर आप जाके फोटोज वीडियोज निकाल सकते हो, बाकी तो यहां से कुछ खास वही व्यू है सेम। डोनापावला बीच देखने के बाद अब हम यहाँ से निकल लेते हैं कुछ खाना खाने के लिए। और गोवा आए और फ़िश थाली या फ़िश बिरयानी नहीं ट्राई किया तो फिर क्या है क्या। तो यहाँ पर मैंने फ़िश बिरयानी ले ली और यहाँ पर एक फ़िश थाली ले ली, जो कि एवरेज अमाउंट में अच्छी खासी ठीक थी, नॉट टू गुड तो चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब आए हैं तो सोचा खा के लेते हैं। खाना पीना खाने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं ओल्ड गोवा के बहुत ही प्रसिद्ध चर्च में। ये चर्च आप देख सकते हो, फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू था इसलिए अंदर जाने अलाउ नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ वाले चर्च में जो है हम जाके अंदर घूम के आए, काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं कि बस से ट्रैवल करना और बस वाला पैकेज नहीं लेना चाहते, तो आप खुद से भी आकर यहाँ पर अपनी बाइक या अपनी कार रेंट करके यहाँ से इस जगह पर जो है पॉइंट पर आप घूम सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो है वो बस लेके जाएगी टेंपल्स में, जी हाँ मंदिर में। सबसे पहला मंदिर आपको लेके जाएगी बस ये बालाजी के मंदिर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। फिर वहाँ से हम चले आएंगे श्री मंगेशी मंदिर में, जी हाँ मंगेशी मंदिर जो है वो लता मंगेशकर जी के फादर जी के द्वारा डोनेट किया गया एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी डोनेट की और उस मंदिर को बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मंदिर जो है वो शिव जी को समर्पित है और यहाँ की शांति अपने आप में एक अलग ही बात कहती है। मंदिर के अंदर जो है छोटे कपड़े जो है वो अलाउ नहीं है, तो फिलहाल मैंने जो है हाफ पैंट पहने थे तो मुझे ये दी गई है 20 रुपीस और जो है दान पेटी में डालने के लिए कहा है। तो आप आएँ तो फुल पैंट पहन के आए, और अगर फुल पैंट नहीं है तो आप ये वाली जो है बांध सकते हैं, आपको मंदिर के जो है यहाँ पर एंट्री गेट पे मिल जाएगा। साउथ गोवा की आखिरी लोकेशन जो होती है वो होती है शाम को क्रूज पार्टी, जी हाँ, जहाँ पर आपको कुछ 500 रुपीज लेके क्रूज पार्टी पे लेकर जाया जाता है। डे टू में आप चाहे तो कर सकते हैं नॉर्थ गोवा का टूर, जी हाँ नॉर्थ गोवा टूर जो है वो भी बस से कराते हैं और वहाँ पर भी आपको अलग अलग लोकेशन पर लेके आते हैं, जैसे कि ये लोअर फोर्ट अगोड़ा आप देख सकते हो, ये नॉर्थ गोवा का सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पर मैं घूमने गया होता बस के द्वारा। तो ये फोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और यहाँ के नज़ारे जो है वो देखने से अपने आप में बनते थे। तो नॉर्थ गोवा में आपको ये सबसे प्यारा जो बीच है और फोर्ट है ज़रूर देखना चाहिए। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नॉर्थ गोवा की सेकंड लोकेशन थी फोर्ट अगोड़ा, जी हाँ ये फोर्ट जो है वो अपने आप में देखने से बनता था, क्योंकि यहाँ की कहानी जो है वो काफ़ी दिलचस्प थी और यहाँ के दीवार जो थे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है पूरी इन्फॉर्मेशन देने में। तो अंदर का नज़ारा कैसा है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, आइए चलिए देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो देखिए अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पर नीचे भी जगह है बहुत बड़ी, मतलब आप इसके यहाँ से देखेंगे नीचे देखेंगे ना तो काफ़ी गहरा जो है यह है, देखिए ये जो है नीचे बहुत ज़्यादा ही स्पेस है, मतलब हम लोग किसी बेस के ऊपर खड़े हैं यहाँ पर और नीचे काफ़ी ज़्यादा खाई है एकदम गहरा। अब यहाँ पर क्या होता था एग्जैक्टली तो इसके बारे में तो मुझे भी आइडिया नहीं है। ये सारे फोर्ट्स देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं अगर आपके साथ में कोई गाइड हो तो, जी हाँ जब गाइड आपको प्रॉपरली बताता है कि ये जगह किस बारे में है तब जाके ऐसा लगता है कि हाँ इस जगह को जो हम रियलिटी में अपनी आंखों से देख सकते हैं जैसा वो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। कैसे हो? बस बढ़िया। क्या बात है, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ से आए हो? I'm from Bhopal basically. अच्छा भोपाल से आए हो, कैसा लगा ये जगह? कैसे बहुत बहुत सुंदर, कुछ यूनिक देखने के लिए मिला है ना? I subscribe to your channel. Thank you so much. और यहाँ पे इनके साथ में दोस्त भी हैं, आप लोग का क्या नाम है? आप लोग भी भोपाल से हो? नहीं, अच्छा उत्तर प्रदेश से। ठीक है ठीक है, तो कैसा इंजॉय कर रहे हो ना एकदम? ठीक है ठीक है, देखो कितनी अच्छी जगह मस्त एकदम बनाए गए हैं। नॉर्थ गोवा का थर्ड लोकेशन जो है वो थंडरवर्ल्ड गोवा है, जहाँ पर एक म्यूजियम है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं और साथ में आपको करवाते भी हैं। और फोर्थ लोकेशन होती है हमारी स्नो पार्क, जी हाँ यहाँ पर आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं और आपको स्नो पार्क में एंट्री कराई जाती है, 1 घंटा या 50 मिनट जो है आप उसके अंदर इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। और नॉर्थ गोवा की एंडिंग जो है हमारी शाम जो है अंजुना बीच पे हमें कराई जाती है। अंजुना बीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बीच है और इसके बारे में आइए मैं आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इस वक्त मैं आया हूँ अंजुना बीच पे और अंजुना बीच को जो है वो रॉकी बीच के वैसे नाम से जाना जाता है। रॉकी बीच के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एकमात्र ऐसा बीच ही है जहाँ पर आपको सिर्फ
रॉक यानी पत्थर ही पत्थर जो है वो दिखाई देने वाले हैं। मेरे सामने नज़ारा आपको मैं दिखा दूँ स्क्रीन पर, आप अपने देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देने वाले हैं। और मेरे बैकग्राउंड में अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको मिलेगा रेत ही रेत, तो मतलब एक साइड पत्थर और एक साइड रेत ही रेत। तो यहाँ पर ये बीच जो है वो अपने आप में एक अलग ही इसकी हिस्ट्री है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप नेट पे पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बताने आऊँ तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं नज़ारे दिखे। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो कहीं भी थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव या पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक भी करते आना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम वीडियोस देखते देखते लाइक करना जो है वो भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा का टूर करने के बाद आप चले जाइए बीच पर, जहां पर आप कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जेट स्की राइड। उसके बाद आप कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग, बनाना राइड, स्पीड बोट और बम्पर राइड। तो चलिए बात करते हैं अब गोवा की नाइट लाइफ के बारे में। अगर आपको नाइट लाइफ वहाँ की देखनी है तो आप चले जाइए टीटोज लेन में। टीटोज लेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाली जगह है, जहाँ पर आप रात को पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं, चाहे वो होटल्स में हो, रेस्टोरेंट्स में हो या फिर बीच पर हो। बीच आप देख सकते हो किस तरह से सजाया रहता है, पूरा नज़ारा वहाँ का काफ़ी एन्जॉयबल होता है। और अगर आपको और इन्जॉय करनी है तो वहाँ पर आप डांस वगैरह भी कर सकते हो। तो गोवा आया और बीच पे आपने समुद्र में नहाया नहीं तो भाई साहब इनकम्प्लीट है गोवा। चलते हैं थोड़ा सा समुद्र के अंदर और थोड़ी सी नहाई कर लेते हैं। वैसे तो बीच पे समुद्र के अंदर नहाना काफ़ी अच्छा लगता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर ख़राब होता है तो उस समुद्र में नहाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर वेदर ख़राब हो आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि समुद्र पे आपको ये रेड फ्लैग अगर दिख गया कि स्विमिंग करना मना है तो प्लीज़ आप उस बात को मानिए, स्विमिंग करना मना है तो मना है, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा हादसा होते रह गया। लेकिन चलो कोई नहीं, ज़्यादा दूर बिल्कुल भी ना जाके आप इन्जॉय कर सकते हैं। सो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बागा बीच पे, और बागा बीच पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, हम जानते हैं मैं हूँ मुंबई से, और जब भी मैं मुंबई के फिश मार्केट में या होलसेल मार्केट में भी जाता हूँ ना, तो भी मुझे इतनी सस्ती मछलियाँ जो है वो नहीं मिलती हैं। आया हूँ बागा बीच पे, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पर है ना बोट्स बहुत सारी आई हैं जो कि मछलियाँ लेके आई हैं। आप जानते हैं बारिश का सीजन जो है वो जा चुका है, तो यहाँ पर जो बोट्स हैं वो इतनी सस्ती मछलियाँ मिल रही हैं हमें। बांगड़ा मछली आप जानते हैं, बांगड़ा मछली वो बहुत ही सस्ती मिल रही है, मतलब 100 रुपये की 30 पीस मछलियाँ जो है वो मिल रही है। और कहना इनका ये भी है कि अभी जो बोट्स और भी बहुत सारी बोट्स जो वो आ रही हैं तो इससे भी सस्ता जो है यहाँ पर मछलियाँ मिल जाएंगी। यानी अभी मैंने गया था तो मैं 100 रुपये की 30 मिल रही थी, अब 100 रुपये की 32 हो गई है। आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है जैसे जैसे बोट्स आएंगे 100 रुपये की 40 मछलियाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। बागा बीच पर अगर आएंगे तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर कहीं भी थोड़ी भी पसंद आया तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए यूं ही ट्रैवल ब्लॉग्स और एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स जो है वो लेकर आता हूँ। ज़्यादा कुछ और ना बोलते, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, टाटा बाय बाय।